हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अमेजन फिल्म्स। मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज हमें सितपुली से थोड़ा सा पहले कैंपिंग की हुई है। और कैंपिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा अलग था। और रात भर मेरे को तो नींद आई नहीं यार, पता नहीं। अब भाई लोगों से पूछते हैं उनको आई है कि नहीं आई है। मेरे को तो अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी रात भर। और 2-3 बजे तक तो मेरे को था कि मैं जग रहा हूँ, क्योंकि मेरे ने टाइम भी देखा था। तो उस टाइम 1:44 पता नहीं 2:44 हो रखे थे। तो पहले भाई लोग से पूछते हैं नींद वींद का सीन क्या था। हाँ भाई दिनेश, कैसा था? आवाजें उससे ज्यादा आ रही थी। सोए तो है पर डरते डरते सोए आज। निशांत भाई तो मेरे ख्याल में फुल आवाज ये कानों में लीड लगा के सो गए। लीड है नहीं, और क्या, डट लगा के सोया। इसकी स्नोरिंग से कैसे बचे थे? मैंने इसको हिला दिया था, बंद हो गई थी। मेरे को बोल रहा स्नोरिंग आती है भाई, उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी इनकी है। देख रहे यार क्या क्या आते जा रहे हैं। रात को हमारा टेंट वेंट हिला के हमें जगाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज वी आर स्नोरिंग। तो यार रात भर ना हमें आवाजें आ रही थी अलग अलग। और आपको नीचे से निशान भी दिखाता हूँ कुछ जानवर के। कुछ तो कुछ आया था यार, अब पता नहीं क्या क्या आवाजें थी यार। कुकू पता नहीं, इतनी आवाजें थी रात भर, इतनी आवाजें थी। मतलब ऐसा लग रहा था तेंदुआ बेंदुआ आ गया। तो मैं आपको ना निशान दिखाता हूँ, नीचे कोई जानवर आया था उसके निशान। तो यार इधर देखोगे ना, ये देखो निशान से है, ये वाले निशान देखो कितने बने हुए हैं। तो नीचे चलते हैं, नीचे दिखाता हूँ आपको। तो कुछ ना कुछ तो आया है भाई। हाँ है भाई, निशान देखे हैं, मैं देखे हैं, कुछ ना कुछ तो आया है। रात को बैठ के जो तो वो सांचा लाए थे जिससे बनाए अपने निशान। अच्छा है? ये सांचा मैं कहाँ से पागल बना रहे पब्लिक को, मैं कहाँ से लाऊंगा यार। गाइस यार वो चाइनीज मेड वो लेके आए थे कुछ, वो जिससे इम्प्रेशन बनते हैं, और इन्होंने रात को बैठ के इम्प्रेशन बनाया। रात को तेंदुआ बनाता अपने इम्प्रेशन तो है। वो देखियो साले, वो नीचे तक है भाई निशान। वो दे इसीलिए अड़ा रखा आगे ना, वो कुछ आए ना चढ़े ना ऊपर ऑब्वियसली। फिर भी देख इधर भी बने हुए हैं। वापिस नहीं आ पाऊंगा, रहने दे रहने दे, आ जा। अरे मान जा भाई मान जा, अबे गिलास है कोई नहीं रहने दे। अबे ड्रोन नहीं है। नीचे पड़ा गया, वहां से आ रहा फिर गांव से। रहने दे यार, मान जा दिनेश भाई, क्यों अपनी पहाड़ी वो दिखा रहा है। तो जी इधर पोहा बन गया, अभी चाय बनेगी। गिलास आया नहीं है तो एक गिलास ही मिला, एक तो गया अपना जंगल में। तो इसमें चाय पत्ती वगैरह डालते हैं, तब तक मैं इधर पैकिंग कर रहा हूँ। अपना पोहा बन गया, सब में बंटवारा हो गया, और इधर बन रही है चाय, और इधर है वादी। और इधर हूँ मैं, द वेरी फेमस भाई। तो मैं जमीन पे बैठा हूँ, मैं क्या बताऊँ तुमको चाय में। और व्यू वो है ना वो। तो जी अपना खाना पीना हो गया है, कैंप की पैकिंग हो गई है, बस मोटा मोटा सामान है थोड़ा सा। इसको भी डालते हैं अपने बैग में और लोड करते हैं बाइक पे, और फिर निकलते हैं इन वादियों को बाय बाय करके। इस बार केवल एक नाइट ही स्टे था यार, लेकिन अगली बार आएंगे तो लंबा स्टे मारेंगे। तो दिनेश भाई के साथ प्लानिंग चल रही है, किनका होम टाउन है उत्तराखंड में, तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कैंपिंग लोकेशन है अल्मोड़ा के आसपास, 4-5 दिन भी कर सकते हो आप अलग अलग जगह पे। तो देखते हैं, जल्दी प्लान करते हैं कोई लंबी ट्रिप। तो चलिए निकलते हैं घर की तरफ। मैं निकल रहा हूँ अभी कैंपिंग लोकेशन से, निशांत भाई और दिनेश भाई यहीं पे अभी आसपास कहीं कैंप करेंगे एक दिन के लिए और। बट मेरा ऑफिस है कल, तो इसलिए मैं और एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो चलिए मिलता हूँ अब गोप्रो पे। और साइट हमने जैसी दी अंकल की वैसी दे दी है वापस उनको, बस एक लास्ट कैंप पैक होना बाकी है। तो चलिए मिलता हूँ अब गोप्रो पे। चलिए अपनी कैंप साइट से, और ये देखो व्यू क्या मस्त व्यू है ना, बहुत खतरनाक व्यू आ रहा है इधर से। मैं सोच रहा था कोई अंदर की साइड में, जैसे ये बने हुए ना सामने कटमा रस्ते, ऐसी जगह कोई जाने का रास्ता मिल जाए हमें, वहाँ कैंप कर पाए। बट ऐसा कुछ मिला नहीं, और मिल भी रहा था तो दूर ट्रैक करना पड़ रहा था यार, फिर बाइक को छोड़ के जाना ऐसे सेफ नहीं है रोड पे। बट कोई ना, ऐसे ही धीरे धीरे हमें भी पता लग जाएगा आसपास का कहाँ पे क्या कर सकता है।
बट यार यहाँ पे ये था थोड़ा रात को जानवर का बहुत ज़्यादा डर था, अलग अलग अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। सच्ची बताऊँ तो मैं तो 3 बजे तक सो भी नहीं पाया था, और उसी के बाद ना फिर अपने आप ही थक हार के नींद आ गई मेरे को 3 बजे के बाद। बट ठीक है, वो भी एक अलग रोमांच है। और तो जी हम आ गए हैं वापस नीचे दुगड़ा, और 2 किलोमीटर के अप्रोक्स है। व्यू देखो यहाँ से क्या मस्त है ना, यहाँ पीछे से ही जस्ट चढ़ा है लंसडाउन का रास्ता, तो व्यू भाई साहब क्या मस्त है यार। यहाँ पे साइड में नदी बह रही है और पहाड़ पेड़, और नीचे आके थोड़ा सा रोड ठीक हो गया, नहीं तो ऊपर तो बहुत टूटा फूटा रोड है यार। ये नेशनल हाईवे 534 है, बट जो ऊपर जाके रोड है ना वो बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा ही खराब है। ये भाई लोग लोकल हैं, इन्होंने बोला अपना लगेज लूज है पीछे का, तो मैंने रोकने के लिए ऐसे ही साइड में ऊपर ढलान के साइड लगाई। वैसे रोकना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे को पता था कि ये तो कहाँ नहीं, एक साइड झुका हुआ था स्टिल लगेज, और मैंने लगाई स्टैंड, वो स्टैंड कुछ ज़्यादा ही या तो ग्रेड पे थी बाइक, पता नहीं, न्यूट्रल कर दी मैंने शायद, और आगे वो चली गई बाइक और गिर गई। अब ये वाइजर गया है टूट, वैसे भी टूटना ही था, ये तो बहुत क्रैक आए हुए थे पहले से ही, तो मेरे को लग ही रहा था कभी ना कभी ये टूटेगा। तो अब प्लान ये है कि नंबर प्लेट निकलवा के इसमें से अलग नट लगे हुए हैं, तो जिसमें वाइजर अटकता है उसी में अटकवा दूँगा अभी के लिए मसवा के कैसे ना कैसे। तो जी अपनी बाइक गिर गई थी तो वाइजर निकलवा दिया ताकि वो बजे ना पूरी राइड पे घर तक, और नंबर प्लेट लगवा लिया है ताकि नंबर प्लेट से कोई पुलिस वाला टोकेगा नहीं। और बाकी वो वाइजर पड़ा है अपना उधर टूट गया वो एक साइड से, कोई ना वो ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं थी। तो ये था ग्रेड पे थोड़ा स्टैंड निकल गया क्योंकि तो ग्रेड पे थी बाइक, न्यूट्रल में मैंने खड़ी कर दी और आगे निकल लिया। चल भैया कितने रुपये दूँ? अरे भैया बता दो बता, ये बड़ा सही है, पूछ ले कर, पूछना कितने ले हैं। चलो भैया धन्यवाद, मैं नंबर ले लूँगा, और राइड वाइड जब मैं आऊँगा ना इधर कैंपिंग ही करेंगे मेन, तो आप कोई अच्छी सी सेफ सी लोकेशन ढूंढ लेना जहाँ रात को भालू भूलू या चीता अपने को खाए ना, है ना। तो जी बड़ी अजीब सी लग रही है आगे से, बट कोई ना बिना वाइजर चलते हैं आज। चलो निकलो निकलो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, भाई का चैनल है लिटिल बिस्ट करके, लिटिल बिस्ट बॉय है शायद, और चले निकलते हैं अब घर की तरफ। तो जी जब आप बिजनौर से मीरापुर की साइड जाते हो तो गंगा पे पुल आता है, और भाई साहब कितनी बड़ी गंगा लगती है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो गंगा मैया, लोग ना बीच में भी गए हुए देखो तो सूखी हुई है, जहाँ तक है मैं 99.99% गंगा वहाँ है, क्योंकि हरिद्वार से यही रूट आता है। तो जी जहाँ पहले रुके थे वहीं आज फिर रुके हैं ब्रेक के लिए, पराठा चाय। चलिए शुरुआत करते हैं अपने खाने की, और अपनी बाइक वो खड़ी। तो मैं पहुँच गया हूँ मीरापुर, तो यहाँ से प्रोक्स लगेगा मेरे को 2 घंटे और गाजियाबाद के, आई होप सो। तो जी मैं आ गया हूँ गाजियाबाद, तो अभी मैं ना एंट्री के लिए गाजियाबाद के अंदर से नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर ही बाहर, क्योंकि इस टाइम मेट्रो का काम चल रहा है गाजियाबाद में, और मैं नहीं चाहता कि यार पूरा भीड़ भाड़ में रहूँ मैं गाजियाबाद, तो मैं नहीं चाहता यार पूरी भीड़ भाड़ में क्रॉस करूँ गाजियाबाद को, इसलिए बाहर ही बाहर जा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे डासना पड़ता है अपोजिट में, तो डासना से उतर जाऊँगा, 10 किलोमीटर है डासना यहाँ से, तो 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा कोई बात नहीं, बट ये है थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। तो आई होप सो आपको वीडियोस पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलता हूँ नेक्स्ट राइड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ। और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सारी अपडेट्स वहाँ पे दी है।
वीडियोस लेट आती हैं और जो राइड से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो पहले ही पहुंच जाती है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करना भूलना।